3 महीने के लॉकडाउन के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रकृति साफ हो गई और पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध हो गया, और हम चाहे ना इसे हमेशा के लिए शुद्ध रख सकते हैं और बस थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदनी जो में। मैं हूँ नंदनी। प्रकृति कितनी साफ हो गई है, वातावरण साफ हो गई, पशु पक्षी भी आजाद से हो गए, उन्हें भी लग रहा है वो भी आजाद सांस ले रहे हैं। लेकिन खैर जो भी, और हम चाहें तो इसे हमेशा के लिए रख सकते हैं। प्रकृति को साफ, नदियाँ कितनी साफ हो चुकी हैं, और हमारी थोड़ी सी कोशिश बहुत कुछ, हर इंसान कोशिश करेगा तो इतना मुश्किल थोड़ा है। हम अपने आसपास के पर्यावरण को साफ करने की कोशिश कर सकते हैं। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो शुक्र इसका, फिर भी लोग अपनी हरकतों से बाहर नहीं आते, कहीं पर भी कूड़ा फेंक देते, कहीं पर भी कुछ कर देते हैं। लेकिन हम अगर इंसान बनना चाहें तो इसे हम हमेशा के लिए साफ रख सकते हैं। प्रकृति को हम कहीं पर भी घूमने फिरने जाते हैं तो हम वहाँ पर कूड़ा करकट ना डालें, जो भी ले जाएं उसको एक जगह पे फेंकते हैं, अपने पास ही लेके जाए, अपने बैग में जमा कर, अगर कोई रैपर होते हैं, कोई चीज़ खाते हैं उसके रैपर होते हैं, या कोई भी केला खाते हैं उसका छिलका, हम अपने पास एक पन्नी, एक जो भी हमारे पास बैग होता है उसमें रख के हम कहीं सही जगह पर उसको फेंकते हैं, ताकि उठाने वाले उसको आराम से उठा लें, हर जगह हम उसको ना फेंकें। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और बात रही नदियों की, तो हम चाहें तो हम आज तक सनातन धर्म वालों की आस्था चीज़ में होती है। और ऐसे मैं ये नहीं कह रही कि कोई चीज़ को सिराना नदी में तालाबों में गलत है, ये सही है, क्योंकि हम लोगों का श्रद्धा है, हम लोग की आस्था इस चीज़ में है, लेकिन हमें उसको साफ सुथरा रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और मैं इसी के बारे में कुछ बात करूँगी, आप जैसे जिस तरह से मैं करती हूँ, मैं चाहूँगी कि सारे लोग यही करें। और जरूरी नहीं है हम कूड़ों को ही ले जाएं कि हम नदी में जो भी पूजा पाठ का हमारा कूड़ा होता है हम उसको नदी में ऐसे बहा दें। हम एक काम कर सकते हैं, जो भी हमारे घर के कैलेंडर होते हैं, कागज होते हैं या कूड़ होते हैं, जो भी चीज़ सामग्री हम रखते हैं उसको हम थोड़ा सुखा दें धूप में, और सुखाने के बाद उसको हम एक जगह पे, एक साफ तस्ली में या साफ जगह पे उस पर जो है उस पर आग लगा दें, आग लगा के उसका राख बन जाएगा, और वो राख हम आपके पेड़ों में डाल सकते हैं, जो हमारे पेड़ है। हम घर में कैरी लगाते हैं, गमले लगाते हैं, सिराना ही तो होता है उसको, नदी में भी जाके वो कहाँ जाता है, गलती होता है, इसलिए किसी तालाब में डालने के बजाय, किसी नदी में डालने के बजाय उसको इस तरह से हम उस कूड़े को जला के अपने घर के गमलों में डाल दें, घर में जो कैरियाँ रखी हैं हमने उनमें डाल दें। और अगर वो राख है तो अगर हमारे घर में कोई गमला नहीं है या कोई कैरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग किराए में रहते हैं, उनके पास ऐसी सुविधा नहीं होती, लेकिन पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं, सभी सनातनी लोग पूजा तो सभी करते हैं, चाहे कोई कम करे ज़्यादा करे, सबके घर में फूल माला मंदिर का होता है, कूड़ा होता है, तो उसको इस तरह से जला के हम कहीं पे भी खेतों में जाके, किसी पेड़, कोई पेड़ हो उस पेड़ की जड़ में जाके उसका खाद बन सकता है बहुत अच्छी से। और इससे अच्छा ये जो है, इससे जो है दो फायदे हो जाएंगे, हमारा जो मंदिर का जो सामान होगा वो सिराया भी जाएगा, और उसका खाद भी बन जाएगा, वो पेड़ों के खाद के काम भी आ जाएगा, नदियाँ गंदी नहीं होंगी, नाले गंदे, तालाब गंदे नहीं होंगे। आज तक में जरूरी नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को ऐसी ले जाके बहा दें, जाके हम देखते हैं नदियों में ज़्यादातर पूजा के लिए हम प्लास्टिक का दोना लेते हैं, बजाय इसके हम कागज वाला दोना लें, वहाँ अगर नदी में जाते हैं तो वो कागज जो है, कागज तो गल जाता है, लेकिन वो जो प्लास्टिक वाला वो नहीं गलता है। और घर पे हम अगर इस तरह की पूजा पाठ करते हैं तो हमें यही करना चाहिए, जो भी हमारे कूड़े दोने होते हैं पूजा पाठ के लिए, जो हमारे कूड़ होते हैं उनको अच्छे से सुखा के इकट्ठा करो उसको, फिर उसको सुखा लो, और सुखाने के बाद उसकी राख बन जाएगी, और उसको पेड़ों में, पौधों में, कहीं खेतों में उसको चिरा दो, साफ जगह पर वो सिराया भी जाएगा, हमारी आस्था भी जिंदा रह जाएगी, और एक और अच्छा काम हो जाएगा कि गमलों को, कैरियों को खाद भी मिल जाएगी,
इससे दोहरा अच्छा काम हो जाएगा और प्रकृति हमारे हमारी नदियाँ साफ हो जाएगी, जिसमें हमें इतनी आस्था है, जिसमें हम खुद लगाते हैं। नदी को गंदा साफ करें या साफ करें ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ आस्था के नाम पे वहाँ दुख की ही नहीं लगा देने, अपना भला ही नहीं सोचना है इस तरह से कि हम वहाँ पर नदियों को कितना गंदा करें, कितना दूषित हम वहाँ पर करें, कहीं ना कहीं वो फिर बीमारी का रूप तो लेती हैं। इससे अच्छा तो हम इस तरह का काम करें कि कूड़ा करकट इकट्ठा करके चला के उसको सिरा दें कहीं पे, और अगर आपको नदी में ही चलाना है तो वहाँ पर चला दो, लेकिन वो गंदगी नहीं होगी। हालांकि मैं तो ये कहूँगी कि उसको जला के आप पेड़ पौधों में डाल दो, क्यारी में डाल दो, किसी खेत में साफ जगह की गमलों में डाल दो। तुलसी का हमारा पेड़ होता है सभी के घर में, वहाँ पर डाल दो, खाद भी मिल जाएगी, हमारी आस्था भी जिंदा रह जाएगी, हमारा विश्वास भी रह जाएगा और नदी भी हमारी नदियाँ गंदी होने से बचेगी। ऐसा कोशिश करके देख लो, अगर हर इंसान ऐसी कोशिश करेगा तो हमारी नदियाँ जरूर साफ रहेंगी। और एक के करने से नहीं होगा, मैं रोज ही करती हूँ और मैं चाहूँगी कि सारे लोग यही करें, और मेरी वीडियो के माध्यम से अगर मैं दो चार लोग के तक भी अगर ये बात पहुँचा पाई मिले बहुत खुशी की बात होगी। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि यही करो, और दो चारों को भी फर्क पड़ता है तो मेरे लिए एक छोटी सी उपलब्धि होगी कि हमारी नदियों को साफ रखने में मेरी वीडियोस के माध्यम से एक दो लोग इसे प्रेरित होंगे। अगर आपको सच में प्रेरणा मिली है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए, जो घंटे आइकन है इसे।